हेलो एंड वेलकम टू माय फन वर्ल्ड। आज हम बनाने जा रहे हैं मल्टी कलर टीनेजर बर्ड वाटर कलर यूज़ करके। पहले मैं यूज़ कर रही हूँ इसके हेड पार्ट बनाने के लिए लेमन येलो को। इसके लिए मैंने राउंड ब्रश नंबर 3 यूज़ किया है। उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा गैम्बज ह्यू यूज़ करके थोड़ा ऑरेंजिश इफेक्ट लाने के लिए उसी ब्रश यूज़ करके किया है। उसके बाद हमने थोड़ा ग्रीनिश इफेक्ट लाने के लिए एमरल्ड ग्रीन का यूज़ किया है। बहुत ज़्यादा डार्क ना करें इसमें। उसके बाद इसके ऊपर हमने सेरेलियम ब्लू ह्यू को यूज़ किया है। तो ये पहले हम बर्ड के लिए बेस क्रिएट कर रहे हैं बर्ड बनाने के लिए। उसके पूरे बॉडी को मैं ब्लू कलर की बेस दे रही हूँ और जो विंग्स का जो फेदर है उसके लिए मैंने ग्रीन कलर का यूज़ किया है। उसके लिए मैंने सैप ग्रीन को लेके उसका बेस क्रिएट किया है। उसके जो टेल है टेल को भी ग्रीन कलर से ही किया है। अभी उसके बीक के पास थोड़ा ऑरेंजिस कलर लिया है। इसके लिए मैंने राउंड ब्रश नंबर 0 यूज़ करके किया था। उसके बाद उसको ब्लेंड करने के लिए येलो से मिलाने के लिए मैंने वही नंबर 3 ब्रश यूज़ किया और उसके आई ड्रॉ किए ब्लैक कलर से। बीक को बनाने के लिए भी मैंने ब्लैक ही यूज़ किया है। पहले ग्रे से उसके हल्के से बिग बनाया, उसके बाद उसके जो नीचे का शेडिंग है उसको ब्लैक से किया। देन फेदर लुक देने के लिए येलो कलर के ऊपर थोड़ा ऑरेंज मिक्स करके गैम्बज ह्यू के साथ थोड़ा सा ऑरेंज मिक्स करके थोड़ा फेदरी लुक देने हैं। छोटे छोटे स्ट्राइप्स बनाने हैं और जहाँ पे ग्रीन कलर है ग्रीन के ऊपर थोड़ा, मतलब जो भी कलर हम बेस कलर ले रखे हैं उसके ऊपर उससे थोड़ा सा डार्क कलर लेके फेदर बनाना है। अभी मैंने ब्राउन कलर का यूज़ किया है, जो बंशेना है बंशेना का यूज़ करके थोड़ा सा वहाँ पे ब्राउन कलर लिया है आईज़ के नीचे और बॉडी पार्ट में फेदर लुक क्रिएट करने के लिए अगेन सेरेलियन ब्लू और कोबाल्ट ब्लू ह्यू को थोड़ा सा मिक्स किया है। नीचे के पार्ट में थोड़ा डार्क एरिया है तो डार्क कलर करने के लिए अल्ट्रामेलाइन ब्लू का यूज़ कर सकते हैं या फिर कोबाल्ट ब्लू ह्यू का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी पहले हमने सेरेलियम ब्लू ह्यू का यूज़ करके फेदर क्रिएट किया था, उसके बाद हम जो फेदर क्रिएट करेंगे वो थोड़ा डार्कर कलर का होगा, पर ये ध्यान पे रखें कि जो फेदर है वो थोड़ा मिक्स हो। उसके बाद विंग के लिए हम सैप ग्रीन या फिर हुकर्स ग्रीन को लेके टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं। स्मॉल स्मॉल टेक्सचर क्रिएट करें, उसके ऊपर जो फेदर के लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद ये जो वेरिडियन ह्यू है उसको लेके मैंने थोड़ा डार्कर कलर क्रिएट किया है, जो लाइट एंड शेड की कॉम्बिनेशन क्रिएट करने के लिए। तो पूरा विंग ग्रीन कलर के ऊपर ही बेस्ड है। लाइटर एरिया में मैंने सैप ग्रीन लाइट करके यूज़ किया है और उसके ऊपर वेरिडियन ह्यू और हुकर्स ग्रीन को मिला के यूज़ किया है और इसके लिए मैंने पूरा 0 नंबर राउंड ब्रश यूज़ किया है।
उसके बाद हम ब्लू कलर में वापस जाएंगे। ब्लू कलर में यूज़ किया है सेरेलियम ब्लू ह्यू यहाँ पे भी। और उसके पूरे बॉडी में फेदर लुक देने के लिए छोटे छोटे स्ट्राइप्स बनाने हैं। तो देखिए मैं अपनी ब्रश कैसे स्ट्रोक ले रही हूँ, आपको भी वैसे स्ट्रोक्स क्रिएट करनी है। टेल हम ग्रीन कलर से ही कर रहे हैं, इसके लिए वेरिडियन ह्यू और हुकर्स ग्रीन का यूज़ किया है। एंडिंग पार्ट में थोड़ा ब्लू कलर का भी यूज़ किया है। बर्ड के लेग्स के लिए हमने ब्राउन कलर का यूज़ किया है, ब्राउन और थोड़ा सा हल्का बर्न्ट शेना का यूज़ किया है उसको थोड़ा डार्कर इफेक्ट देने के लिए। ब्रांच को आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे येलो ऑर्चे का यूज़ करके ब्रांच क्रिएट किया है। ये ब्रांच का बेस है, तो पहले मैंने उसके ऊपर येलो ऑर्चे लगाया है, उसका पूरा बेस क्रिएट किया है, फिर इसको कम्प्लीटली ड्राई होने दें। तो मैंने पहले बर्ड की लेग को कंप्लीट कर दिया। अभी मैं फ्लैट ब्रश करके बैकग्राउंड क्रिएट कर रही हूँ। बैकग्राउंड क्रिएट करने के मैंने ग्रीन को और ब्लू की कॉम्बिनेशन लिया है, मतलब एक तरफ थोड़ा ग्रीनिश इफेक्ट दिया है और ब्लू की कॉम्बिनेशन दिया है। बैकग्राउंड आपके हिसाब से आप क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि इट्स अ फन, आप किसी भी तरीके से बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं। हमने एक लेयर फेदर की बना लिया था, अभी सेकंड लेयर बना रहे हैं। सेकंड लेयर में हम थोड़ा उसको डार्क करेंगे। तो आप देख रहे हैं मैं अल्ट्रामेलाइन ब्लू लेके उसके छोटे छोटे फेदर क्रिएट कर रही हूँ। ये फेदर आप टाइम लेके क्रिएट करें, ताकि बहुत फाइन फेदर हो और वो अच्छा दिखे। ऊपर ग्रीन के लिए मैंने यूज़ किया है हुकर्स ग्रीन को, क्योंकि ये काफ़ी डार्क होता है, तो हमें लाइट एंड शेड का अच्छा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। अगर आपको उसको और ज़्यादा डार्क करना है, तो आप थोड़ा सा ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं ग्रीन के साथ, ताकि वो और ज़्यादा डार्कर इफेक्ट देगा। थोड़ा मतलब बिल्कुल थोड़ा सा ही यूज़ करनी है।
ब्रांच के लिए मैंने बर्नट एम्बर एंड बर्नट शेना का कॉम्बिनेशन यूज करके स्ट्रोक्स लगाया उस के ऊपर थोड़ा ग्रे कलर का शेडिंग दिया। पर छोटे छोटे ब्रांचेस निकाल रहे हूँ वो भी मैंने इसके लिए बर्न टेम्बर ही यूज किया। बर्ड हमारा कंप्लीट हो गया है। मैं अभी बैकग्राउंड के लिए कुछ फ्रूट्स या लीफ टाइप बना रही हूँ। आपको जैसे मर्जी आप वैसे ही बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं। तो ये फ्रूट्स को क्रिएट करने के लिए मैंने यूज किया लाइट रेड और क्रिम्सन का कॉम्बिनेशन। जहाँ पे मैं डार्क लिप्स बना रही हूँ वो हुकर्स ग्रीन से बना रही हूँ। हुकर्स ग्रीन को थोड़ा लाइट करके बना रही हूँ, मतलब उसमें वाटर ज़्यादा ऐड किया है। और जहाँ पे लाइट बना रही हूँ उसमें वाटर और ज़्यादा ऐड किया है, बस इतना ही डिफरेंस है। आप अपने हिसाब से कोई भी ग्रीन को यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। मैं बस इसमें थोड़ा इफ़ेक्ट दे रही हूँ। तो ये बन गया हमारा बर्ड का ड्राइंग कम्प्लीट। वाटर कलर यूज़ किया है इसमें मैंने कैमल का वाटर कलर यूज़ किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको ये अच्छा लगा, आपने एंजॉय किया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और प्लीज़ इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।